हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास सेकंड लेक्चर ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने पिछली वीडियो में करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, बेसिकली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉन एस सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली इसको हमें निकालना भी कैसे होता है, हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो ही उस बिजनेस का सुपर प्रॉफिट होता है। और फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में सीखा है, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारे लिए क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो या फिर आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कुछ भी ना हो, तो आप सिंपल कैपिटल जो कि हम कैसे निकालते थे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके भी हम निकालते थे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, जो सिमिलर बिजनेस में जो भी नॉर्मल रेट होती है, इनटू अपॉन 100। मींस सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल ही है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ऊपर मीनिंग में भी हमने गिवन किया है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। कि जितना भी हमारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट का इसी से हमारा फॉर्मूला बना, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में गिवन हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी ना हो तो एसेट्स और माइनस लाइबिलिटी है। हालांकि मैं आपको इससे आगे भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका कई जगह पे नॉर्मल बिजनेस रिटर्न्स के नाम से भी इसको जानते हैं हम। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट की तरह ही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और कभी कभी ईयर परचेज की जगह पे क्वेश्चन में टाइम्स भी गिवन होता है। तो जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आप गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। अब हम सीखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपका बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, सबसे पहले तो बात यह है
कैपिटल एम्प्लॉयड आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस और इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। चलो उन अप्रोचेस को सीखते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच में आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड एसेट साइड अप्रोच में ऑल एसेट्स किसको छोड़कर, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कई बार क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी गिवन होती है एंड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इससे आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हो दोनों ही अप्रोचेस से, चाहे वो लायबिलिटी साइड अप्रोच से हो या फिर एसेट साइड अप्रोच से हो। तो इसमें बेसिकली ये ज़्यादा इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है सुपर प्रॉफिट से गुडविल को वैल्यू करना, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है और आप इसको इजीली कर सकते हो। चलो अब हम इसे सीखते हैं कुछ हमारे चार पांच एग्जांपल से। हमारा आज का पहला एग्जांपल सुपर प्रॉफिट निकालना है, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज रुपीज 3 लाख, मतलब कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है बिजनेस ने, 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मीन्स उस टाइप के सिमिलर बिजनेस में जो नॉर्मल रेट है वो 10% है, मतलब वो सभी बिजनेस उससे 10% इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न कर लेते हैं। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। तो एबनॉर्मल लॉस हम कभी भी, मैंने बताया था पहले भी पिछली वीडियो में भी, कि हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। तो मीन्स अगर हमें इसको वापस ऐड करना होगा एंड कैलकुलेट गुडविल एट द 5 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देन इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, कैपिटल 3 लाख है क्वेश्चन में और 10% रिटर्न्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। फिर हम अपना एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी हमें नॉर्मल लेना है, अब नॉर्मल चीजों को हम कभी भी काउंट नहीं करते, 41,000 प्लस 2,000 ये यूज होगा आपका 43,000। देन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट या फिर इसकी जगह एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम दोनों ही चीजें निकाल चुके हैं तो हम 43,000 में से माइनस कर देंगे 30,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया,
आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 13,000 एंड द गुडविल जो आपकी गुडविल होगी गुडविल इज 13,000 इनटू आपके क्वेश्चन में 5 times गुडविल क्या है 5 times तो हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर होगा गुडविल आपकी होगी 65,000। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2 जिसमें दो चीजें आपको निकालनी हैं सुपर प्रॉफिट भी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी, मतलब सुपर प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का इसमें यूज करना होगा। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। 8 lakh हमें पहले से एवरेज प्रॉफिट गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 lakh एंड 5 lakh 60,000। आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन है एंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम एसेट्स में से लाइबिलिटी को लेस करके हम निकालेंगे क्या अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, और बाद में उसी कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकाल लेंगे हम क्या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। चलो करते हैं इसको हम स्टार्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को भी हम यूज कर सकते हैं। एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में 22 लाख थी, लाइबिलिटीज की वैल्यू 5,60,000 थी, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 में से 5 जाएंगे 17, 16,40,000। देन हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमारा होगा 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उनमें 1,64,000। अब हम निकाल लेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको गिवन था, कितना एवरेज प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में हमारा 8 lakh। एट लैख माइनस 1,64,000 तो इसमें से हमारा आ जाएगा ये 6,36,000 एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज 2.5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15,90,000। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल जिसमें सबसे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, देन उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला एंड देन लास्ट में वैल्यू ऑफ गुडविल। एक और एग्जांपल जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस हैं वो रिवर्स आ जाते हैं, रिवर्स इन दी फॉर्म की उसमें जरूरी नहीं है गुडविल आपको निकालेंगे, गुडविल पहले से गिवन होती है, आपको उनमें निकालना होता है तो वो आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर वो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एग्जांपल है 3 जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन कर रखा है, ऑन 1st April 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि आपको जब कैश दे रखा है एसेट्स दे रखे है 75 तो इंक्लूडिंग कैश है नहीं है, हम तो इसको 75 ही कंसिडर करेंगे एंड इट्स ग्रेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके लिए दो अप्रोचेस चाहिए, दो अप्रोचेस हैं। तो 1st April तो हम यहाँ पर लगा भी सकते हैं
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 75,000 जो कि मैंने एसेट्स ली माइनस 5,000, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा 70,000। फिर आगे इसी क्वेश्चन में दे रखा है द फर्म हैड अ रिजर्व, रिजर्व दे रखा है कितना 10,000, वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 60,000। तो आप इस सेकेंड अप्रोच को भी यूज कर सकते हो जिसमें मैंने सिखाया था कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो आप देखते हो कि दोनों ही मेथड से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आई है, बिल्कुल सेम। तो उसके बाद हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल रेट है 20%, तो चलो लगे हाथ इसका नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होगा हमारा 70,000 इंटू 20% 14,000। और अब इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, मतलब गुडविल की वैल्यू पहले से ही दे दी हमें 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि कैसे निकाली है सुपर प्रॉफिट को 4 ईयर परचेज करते हुए, और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे, उसी फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे, तो उससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं इसको, जो कि आपका फॉर्मूला वैसे होता है बेसिकली गुडविल का, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब इस क्वेश्चन में सुपर गुडविल, सॉरी गुडविल आपको गिवन है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका 4। तो आपका सुपर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाय 4, 6,000। तो इसके बाद एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया आपका वही सिंपल वाला जो पहले हम यूज करते थे, कौन सा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या फॉर्मूला था, क्या होता है फॉर्मूला, वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, मतलब एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करते हो तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आप सुपर और नॉर्मल को जोड़ दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आप उस फॉर्मूले को कैसे भी 3 अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को करते थे, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, एंड कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, यही फॉर्मूला भी हमारा 3 तरह से यूज हो सकता है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल, अगला और लास्ट एग्जाम्पल आज की वीडियो का। अब इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इसने पहले वाला क्वेश्चन आपने किया है, कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹2,00,000। आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स भी गिवन है 10%, और गुडविल जो है आपकी वो 2,50,000 है, 2,50,000 रुपये है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, जो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल है हमारी 2,50,000 डिवाइड बाय 4, 62,500। सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 62,500। उसके बाद हमारे फॉर्मूले में इसको पुट करके हम मेन वही फॉर्मूला हमारा कौन से वाला, कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
अब इसमें हमें दो चीजें तो गिवन है क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 2 लाख, सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 62,500, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन ही है 2 लाख, और हमें क्या निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,000 बाद में हम कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट का निकालने का था उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 137,500 इनटू 100 अपॉन में 10, तो आपका इसमें आंसर होगा 13,75,000। मतलब इस बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड है 13,75,000। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसकी वजह से आप इस टॉपिक को इजीली, बहुत इजीली समझ सकते हो, और बाद में अपने क्वेश्चंस को ट्राई करें, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।